हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल लियो द डॉगी शॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल आसीवाल और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी डाइट प्लान के बारे में। आपको इनकी डाइट प्लान के लिए 5 चीज़ें चाहिए। पहली है पपी स्टार्टर, जो एक अच्छी क्वालिटी का हो। दूसरा पपी सैलेड, तीसरा दही, चौथा बॉयल है और पाँचवीं चीज़ है बनाना। अब मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ों को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम लेंगे पपी स्टार्टर। पपी स्टार्टर के हमको 15 से 20 दाने लेने हैं, जिसको हम गुनगुने पानी के अंदर आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट तक के लिए भिगो के छोड़ देंगे। उसके बाद जो पानी उसके अंदर बचता है वो सारे पानी को हम साइड से निकाल देंगे और दानों को चम्मच की सहायता से बिल्कुल बारीक उसको मैश कर लेंगे। उसके बाद में हम आधी कटोरी गुनगुने पानी के अंदर सैरेलैक का 2 चम्मच डालेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। उस पेस्ट को हम पपी स्टार्टर में मिलाकर पपी को दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है तो उसमें आप इसी खाने के अंदर आप 2 चम्मच दही ऐड कर सकते हैं और आधा उबला हुआ अंडा बिना जर्दी का, यानी कि जो उसमें पीला वाला योक का पार्ट होता है उसको नहीं देना है। वो आप इसको बारीक मैश करके उसी खाने में मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो उसका 1/4 हिस्सा केले का भी उसमें डाल के मैश कर सकते हैं। आप इन सब चीज़ों को साथ में मिक्स करके भी खिला सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी खिला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, जब भी आप अपने पपी को खाना देते हैं हमेशा साफ बाउल के अंदर ही खाना दें। और जब वो खाना खाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पपी जब खाना खाना शुरू करता है तब से लेकर एंड तक उसका पेट ज़्यादा ना फूले, यानी कि जहाँ उसकी पसलियों का साइज है, जो उसके रिब्स का साइज है, पेट भी उसका खाना खाने के बाद में उसी लेवल में आना चाहिए। अगर उसका पेट रिब्स से ज़्यादा बाहर निकलता है इसका मतलब वो डाइट ओवर ले रहा है। ओवर फीडिंग की वजह से बच्चा सुस्त रहेगा, खेलेगा कूदेगा नहीं और हो सकता है शायद वो बीमार भी पड़ जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि उसका पेट जो है वो उसके रिब्स के लेवल में ही रहना चाहिए। अब इसकी मैं आपको जो पपी को खाना देने का टाइम का शेड्यूल जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बना करके दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।